ज्यादा प्यारे लग रहे हैं दुआ और साथी से ना। हम तो बहुत प्यारे हैं। वो लोग तो तैयार भी नहीं होके आते हैं। ये देखो ना कितने प्यारे लगते हैं। हाँ चलो ग्लॉस लगा देती हूँ। मैं आपको ये लगाती हूँ। देखो हम कितने क्यूट लग रहे हैं। देखा दोस्तों हम दुआ और साधु से कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और हमारा शो भी कितना अच्छा है ना। उनका भी अच्छा है लेकिन हमारा उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है। हम कितने प्यारे लगते हैं दोस्तों। आप बताएं हम ज्यादा अच्छे हैं ना। और हमारा शो भी ज्यादा अच्छा है ना। जी और हम ज्यादा प्यारे लगते हैं ना। और देखिए हम कितना प्यारों के आए हैं। वो तो बस ऐसे ही आ जाते हैं। देखिए सारा सॉरी दोस्तों। दोस्तों हम तो खुद ही कहते हैं कि रमजान में हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। और अभी हम खुद बैक बाइटिंग कर रहे थे। ये तो बहुत गलत बात है निनाल। सॉरी दोस्तों। सॉरी दुआ और साधु अगर आपको बुरा लगा। सॉरी सॉरी। वैसे आपका शो भी बहुत अच्छा है और आप दोनों भी बहुत प्यारे हैं बिल्कुल हमारी तरह। दोस्तों आपको पता है आज हमने क्या अच्छी बात सीखी कि हमें किसी की भी बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपको पता है ना बैक बाइटिंग करना कितना बड़ा गुनाह है। जी बिल्कुल। और ये भी पता होगा कि बैक बाइटिंग क्या होती है कि दूसरों के पीछे बुरी बातें करना। हमने सॉरी की है। दोस्तों आपको रमजान के महीने में बिल्कुल बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। रमजान के महीने में नहीं पूरा साल बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मिनाल ने। मिनाल तुम बहुत इंटेलिजेंट बन रही हो। चलो अब उनको सलाम कर लेते हैं। हम तो बातें ही करी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूँ सारा बल्कि शेफ सारा। मैं हूँ मिनाल बल्कि शेफ मिनाल। हम लाए हैं पाकिस्तान में बच्चों का पहला बावर्ची खाना। और हम हैं बावर्ची बच्चे। दोस्तों आपको पता है आज है 14वां रोजा। जी और आप लोगों ने आज की अफ्तारी भी करनी है हमारे साथ। और दोस्तों आप मुझे ये तो बताएं कि आपके रोजे कैसे गुजर रहे हैं। मुझे यकीन है आपके रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। हमारे भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं ना सारा। हाँ। और आप लोगों का हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। इसके लिए तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आपने हमें इसी तरह अच्छे अच्छे फीडबैक देने हैं तो फिर हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे और साथ में गेम्स भी नई नई लाएंगे और फन भी बहुत करेंगे। तो सारा बातें तो बहुत हो गई। अब जानदोस्त क्लब के मेंबर्स को वेलकम करते हैं। दोस्तों अब हम वेलकम करते हैं जानदोस्त क्लब के मेंबर्स को। मगर मीनार पहले बात कर लें अगर दोस्त भी हमारे शो में आना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे। दोस्तों अगर आप भी हमारे शो में आना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। जी और अगर आप जानदोस्त क्लब के मेंबर हैं तो बहुत इजीली हमारे शो में आ सकते हैं। अगर आप जानदोस्त क्लब के मेंबर्स नहीं है तो आप अभी इसी वक्त अपने आप को रजिस्टर करवाएं। चलो सारा बुलाते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक। ओए कितनी क्यूट सी बच्ची है ना। चलिए आप लोग दोस्तों प्लीज हैव अ सीट। इनको आप छोड़ दें ये हमारे साथ रहेंगे। अब उधर अच्छा उधर चली जाओ। देखा दोस्तों हमारे कितने क्यूट क्यूट चांद दोस्त क्लब के मेंबर्स आते हैं ना। और बहुत छोटी सी है सबके छोटे छोटे ऐसे मेंबर्स भी हैं बड़े बड़े वाले भी और क्यूट क्यूट भी हैं लेकिन सारे क्यूट हैं ना सारा। ना तो सारे क्यूट हैं। इनके नाम ना पूछ ले। हाँ चलो ठीक है। आपका क्या नाम है? पाक्या। आपका? गुरे शहवार। आपका? हुदा। आपका? इस छोटी सी क्यूट सी बच्ची का क्या नाम है आप बता दे। अनमता। 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 अनमता आप बातें नहीं करती? आप इतनी प्यारी हो। प्यारी प्यारी बातें भी करती होगी। करती होगी मुझे लगता है। अभी हमारे से नई नई मिली है ना जब वो फ्रैंक हो जाएगी ना तब मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसने बातें करनी है। बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रैंक होते और हमें भी नहीं बोलने देगी ये सबसे ज्यादा बातें करेगी। अच्छा आप में से किस किस का रोजा है? मेरा। आपका है? और मेरा। आपका जिंदगी का पहला रोजा या फिर आपने पहले भी रखे हैं? पहले भी रखे हैं। अच्छा आपको पता है हम रोजा कुशाई भी करवाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं मीनार आप में से किसी ने मीनार। अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों आप में से किसी ने नहीं रखा तो बहुत से रोजे पड़े हैं अभी तो आप सब रख सकते हैं। लेकिन ये अनमता तो नहीं रख सकती ना छोटी।
तो खुद बिल्कुल चिड़िया जितनी है, तो चिड़िया रोजा भी नहीं रख सकती। दोस्तों आप लोगों ने जैनी में क्या खाया था? रोटी। आपने और रोटी के साथ कुछ भी नहीं खाया? एग। एग अंडा पराठा खाया। हमारा इनसे तो बहुत सी बातें कर ली है, अब तो हमें शेफ गेस्ट को बुलाना ही पड़ेगा। जी, जी तो दोस्तों अब हम वेलकम करते हैं अपनी शेफ गेस्ट को, जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो से, और उस रियलिटी शो का नाम है बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन 1। हम दूसरे शो में बात कर रहे हैं सेकेंड राउंड की, जो है करके दिखाओ राउंड की। पहले शो में हमने बात की थी करो सामना राउंड की, दूसरे शो में हम बात कर रहे हैं करके दिखाओ राउंड की, और तीसरे शो में हम बात करेंगे करो साबित राउंड की। तो हमारी आज की शेफ गेस्ट का क्या नाम है? हिबा उमर। हिबा को हमारे शो पर आके कैसा लगा? आपको उम्मीद थी कि आप इस शो पर आएंगी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगी। क्या आपको उम्मीद क्यों नहीं थी? आपका बावर्ची बच्चे स्कूल में नहीं दिखी। उसको शायद पता नहीं था कि हम इनके लिए भी तो शो बनाएंगे। अच्छा तो हिबा मुझे सबसे पहले ये बताए, हम आपको बावर्ची बच्ची कहें या फिर शेफ गेस्ट? शेफ गेस्ट। शेफ गेस्ट। अच्छा ठीक है, हम आपको शेफ गेस्ट कहेंगे। हमारी एक पहली दोस्त है जिन्होंने शेफ गेस्ट का कहा है। अच्छा गिफ्ट लेकर आई है, ये मेरे लिए है और मीनार के लिए। ये उन बच्चों के लिए जो ईद की खुशियाँ नहीं बांट सकते, इसलिए मैं उनके लिए एक प्यारा सा ड्रेस लाई। यानी ईद की खुशियों में इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते। अच्छा मतलब ये लाइव क्यों है? ईदी कॉर्नर के लिए। चल हिबा पहले गिफ्ट ही डाल लेते हैं, आज चले आए। जी तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं अपने ईदी कॉर्नर में। हिबा को पता है हमने ये ईदी बॉक्स किस मकसद के लिए बनाया है? उन बच्चों के लिए जो ये जो चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते। जी बिल्कुल ठीक कहा, हमने ये उन बच्चों के लिए बनाया है जो ईद की खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते और इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। चले अपना गिफ्ट डाल दे। जी अगर आप भी हमारे ईदी बॉक्स में अपना गिफ्ट डालना चाहते हैं तो हमें कॉल करें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर और अपना गिफ्ट डाल दे। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो हम कहते हैं ईदी फॉर एवरीवन। किचन में तो जाना है और इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अफ्तारी भी बना रही है। चलो मैं चलती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती। ठीक है इसके लिए। ठीक है हिबा बैठ जाओ इधर रेड स्टूल पे। हिबा करो सामने राउंड में, आपसे जजेस ने क्या सवाल किया? उन्होंने किया कि आप क्या क्या बना सकती हो। अच्छा और आपने जवाब क्या दिया था? मैंने कहा मैं सारा कुछ बना सकती हूँ इंटरनेट से देखकर। यानी आप इंटरनेट से देखकर बनाती हो, अपने अपना क्रिएटिव भी यूज करती हो? क्रिएटिव माइंड साथ साथ अपना क्रिएटिव भी यूज करती हूँ। अच्छा क्रिएटिव माइंड से आप सब कुछ बना लेती हूँ। आप कॉन्फिडेंट थी कि आप पहले राउंड में सेलेक्ट हो जाएंगी? और आप जब सेलेक्ट हुई तो आपने अपने घर वालों को क्या बताया जाके? कैसे आप... आपने फीलिंग्स पे इजहार किया? मैं बहुत खुश हुई थी। अच्छा। और बहुत एक्साइटेड भी थी। बहुत खुश भी हुई थी। अच्छा आप ये बताएं कि हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी आर्ट है, पेंटिंग है। अमीना देखा सबकी हॉबीज आर्ट ही है, कुकिंग के अलावा मेरी आर्ट है। आप बड़े होकर शेफ बनना चाहती हैं? अच्छा हिबा मेरी बात सुने, आपको कुकिंग के साथ साथ और भी किसी चीज का शौक है? मेरी हॉबी तो आर्ट है कुकिंग के अलावा। यार उन्होंने बताया तो था कि इनकी कुकिंग के अलावा आर्ट भी है। अच्छा वो पता क्या मैं अपनी डिश बना रही थी तो मैंने सुना ही नहीं है। अच्छा हिबा आप ये बताओ कुछ करके दिखाओ उन्होंने क्या टास्क मिला था? मैंने प्याज काटा था। प्याज काटा था, आंखों में मिर्ची नहीं लगी? लगी तो थी। आंसू तो जरूर आए होंगे आपको? नहीं आए। आंसू नहीं आए मगर। अच्छा सीरियसली नहीं आए? वाओ तो मीना इनके करके दिखाओ राउंड के कुछ क्लिप्स ना देख लें। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिबा। हिबा आप खाना पका लेते हो? जी मैं सारा कुछ पका लेती हूँ। अच्छा सो लास्ट क्या पकाया था आपने अपने? मैंने अच्छा कुकिंग आपने कहा मैं करती हूँ, मामा के साथ
हेल्प कराती हो? हेल्प ही करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ। खुद भी करती हो? तो खुद क्या क्या बनाती हो? नतीजा बना लेती हूँ। नतीजा बना लेती हो? अच्छा, सच्ची सच्ची बताना है। वो एक बार मेरी कजिन ने बनाया था तो मैंने तिर्श देखा था। देखा था? खुद नहीं बनाया हुआ? हाँ जी। ठीक है, हमें आप एक मिनट सोचने का मौका दें। मुझे बताएं ये आपके सामने क्या पड़ा हुआ है? अच्छा, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? प्याज। सो अच्छे अच्छे छोटे छोटे बारीक बारीक ऑमलेट टाइप प्याज काट दो और ले जाओ टिकट अगले राउंड की हमसे। आपको क्या लगता है कि आपने बिल्कुल सही काटा? लेकिन आपने प्याज बहुत बेहतरीन काटा है और मैं अब जल्दी से एक ऑमलेट बनवाना चाहता हूँ आपके लिए, तो हम आपको अगले राउंड में भेज रहे हैं। वाओ, इन्होंने करके भी दिखाया और सामना भी किया मीनार। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने साबित किया, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन 1। मीनार, मैं बच्चों से भी थोड़ी सी बात ना कर लूं और फिर मेरी डिश की तरफ आ जाना। ठीक है? ठीक है। मीनार, पहले मैं आपसे ये ना पूछ लूं कि डिश क्या है। ओहो, मैंने याद क्यों करवाया? क्या है बताओ ना। अच्छा, मैं पहले बंद कर देती हूँ, एक तो जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ सारा ही आ जाती है। मीनार, मैंने पूछना भी तो होता है ना, मैंने क्या आपने क्या बनाना है, इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। सब कुछ कर सकती हूँ, कर तो रही हूँ। अच्छा बताओ ना। अच्छा, तो मेरी डिश का नाम है ऑमलेट स्लाइसेस। ना लोगों में क्या स्लाइसेस की बनाती हैं? आपको स्लाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, देखिए, फ्रूट स्लाइस भी बनाया आपने, चीज स्लाइस भी बनाया, आपको तो स्लाइस बनाने आते हैं। नहीं नहीं, पता है क्या, देखिए, जो हमारे सारे दोस्त होते हैं वो स्कूल जाते हैं तो कभी कभी उनकी अम्मी जान नहीं भी उठाती होंगी, या अम्मी जान के लिए भी ये डिशेस अच्छी हैं कि वो भी सीखे, तो मैं इसलिए कहती हूँ कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इस चीजें इजी हो जाए। ना, लेकिन अम्मी जान सीखे, अम्मी जान को तो सब कुछ आता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि नई नई डिशेस। अच्छा, आप कहती हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोज का एक लंच उनके अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेड में वैरायटी आ जाए। जी, वैरायटी बहुत सारी। अच्छा, तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने अन्य लिए हैं, चॉप हुआ हुआ आधा। चॉप चाहिए, कितना चाहिए? चॉप चाहिए और हाफ चाहिए। फिर कोरिएंडर चाहिए, यानी हरा धनिया। हरी मिर्च चाहिए, वो पूरी, एक पूरी, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक अंडा लिया है, साथ में मेन इंग्रेडिएंट मैंने ब्रेड ली है, फिर मैंने रेड चिली और सॉल्ट और बटर, और बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर मैं क्या कहती हूँ, मैं सारा, मेरी बात सुनो, इंग्रेडिएंट्स तो मैंने बता दिया, अब ये बनेगी तो मैं बताऊँगी कि कैसे बनती है। अभी बता देना मीनार। अच्छा, अंडे के अंदर मैंने नमक डाला है, रेड चिली डाली है और उसको मिक्स कर दिया है। वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले किया कि जब मैं ये फ्राई कर रही होंगी तो ये बर्न ना हो जाए। फिर उसके बाद मैंने अनियन को बटर में फ्राई किया, फिर मैं आपको कोरिएंडर डालूंगी और मैं ये हरी मिर्च डालूंगी, फिर जब ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा फिर मैं उसके ऊपर ये स्लाइस का फ्रेम रखूंगी। अच्छा, और फिर मैं उसके ऊपर चेडर चीज़ को कद्दूकश करके डालूंगी। यानी आप फ्रेम को यूज कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और फिर इसी तरह उसके ऊपर मैं ये अंडा डाल दूंगी और फिर मेरे ऑमलेट स्लाइसेस तैयार हो जाएंगे। वाओ, हिबा, आपको कैसी लगी ये डिश? मुझे इनकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी। आप घर जाकर ट्राई करेंगी? मैं जरूर ट्राई करूँगी। अच्छा, मैं हिबा से तो बातें करती रहूंगी, मगर मेरे जो छोटे छोटे से दोस्त हैं मुझे लग रहा है वो बोर हो रहे हैं। ओह, एक छोटी सी बेबी को बहुत पसंद आ रहा है, कहाँ जा रही हैं आप? देखो, इन्होंने कितनी प्यारी से ग्लासेस पहनी हुई हैं और ये हमारे सर पर चक्कर लगा रही हैं। अच्छा, इन्हें तो घूमने दे, हम वो वापस आ गई। अच्छा, आपको गिफ्ट दूँ? मैं गिफ्ट दूँ आपको? आज आज गिफ्ट दूँ, ये देखो, मैं आप ये देखो, जान का स्पिनर है ये, अच्छा ना? अच्छा, मेरी पॉइंट सुनाए, आपको आती है पॉइंट? आपको हम बैठा देते थोड़ी देर के लिए,
ऐसे। अच्छा कौन सा बच्चा मुझे नाच पढ़ेगा, कौन सा बच्चा नाच पढ़ेगा? मैं। आप पढ़ेंगी? चलें आप सुनाएं हमें। देखिए हमें हमारी प्यारी सी दोस्त नाच पढ़वा कर सुनाएंगी। عبادن على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی وسلم مداحما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا ہی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو صدا تشریف لے آئے مبارک ہو۔ جزاک اللہ، کتنی پیاری نعت پڑھ رہی تھی نا مینار۔ جی بالکل۔ چلو آپ سے کوشچن آ کر پوچھوں میں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ زکات کسے کہتے ہیں؟ आपको पता है? चलिए मुझे बताएं ज़कात किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह की राह में देते हैं। अच्छा, वो पैसे जो हम जरूरतमंदों को देते हैं अल्लाह की राह पे, उसे ज़कात कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया हिबा ने। क्लैपिंग। तो सारा हिबा को गिफ्ट नहीं देना? चले आपको मैं गिफ्ट दूंगी। देखिए हमारे शेफ गेस्ट ने हमें इतना अच्छा आंसर दिया, अब शेफ गेस्ट अपने आप को गिफ्ट खरीद देंगी। मैं उन्हें गिफ्ट दूंगी ना। ये ले हिबा, आपको मिलता है जान का गिफ्ट हैम्पर। जान का जानदार गिफ्ट हैम्पर। जान का जानदार गिफ्ट हैम्पर। अब दूसरा सवाल पूछूं? आप लोगों से मुझे इसका आंसर चाहिए। जो मछली पानी में नहीं तैरती उसे क्या कहते हैं? ये वैसे सवाल मेरे क्यू कार्ड पर नहीं लिखा मीना, ये मैंने अपने क्रिएटिव माइंड से सोचा है। अच्छा, जो उनको आंसर ही नहीं आ रहा, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा है? ट्रिकी ट्रिकी। हाँ मैं क्वेश्चन पूछूंगी और ये मुझे अच्छे अच्छे आंसर दें प्लीज। अच्छा चले आपको नहीं आता, मैं खुद ही बता देती हूँ। आपसे आसान क्वेश्चन पूछूंगी, उससे हम मरी हुई मछली कहते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। देखिए जब जो मछली जान, जिसमें मछली में जान होती है वो तो तैरती रहती है, और जो मछली बेचारी अल्लाह के पास चली जाती है वो ऊपर आ जाती है, तो वो तैरती थोड़ी है ना। देखिए ना, ये मेरा खुद का सवाल था इसलिए किसी को भी नहीं आया। लेकिन मैं बहुत आसान सवाल करती हूँ। अच्छा ये सबको आता होगा, ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला की जात पर यकीन करना ईमान कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह ताला की जात पर अगर हम यकीन करें, ईमान रखें, ईमान कहलाता है वो। चलें आगे पूछते हैं। ये भी मैंने अपने माइंड से निकाला है, बताऊं आप लोगों को? अच्छा, सर्दियों में जो फ्रॉग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर क्यों जाते हैं, आप बताएं? क्योंकि उन्हें ठंड लगती है। बिल्कुल गलत जवाब। मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि फ्रॉग चढ़ नहीं सकते, सिर्फ उड़ के जाते हैं ना। बात ही समझ आती है आपको। अच्छा कौन बच्चा मुझे पॉइंट सुनाएगा? ओ, जो बच्चा मुझे पॉइंट सुनाएगा ना, मैं उसे जान का जानदार गिफ्ट हैम्पर दूंगी। आप सुनाएंगी? चलिए सुनाए। I have a dream. आप सुनाइए मेरा पॉइंट। A song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future. Even if you fail, I believe in angels. Something good is everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream.
a fantasy to help me through reality and my destination. Worth it while pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels. When I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. Wow, कितनी अच्छी बात सुनाई ना हमारे दोस्त ने, हमें clapping होनी चाहिए इसलिए तो इन्हें gift भी मिलना चाहिए. चले आप आके दे आप इन्हें gift, okay? चलिबा देंगे हमारे जान दे सबकी मेंबर को गिफ्ट, जॉन का गिफ्ट, जॉन का गिफ्ट हैम्पर देंगी. आए आप, गिफ्ट नहीं लेना आपने. एक मिनट, मैं कुछ नोट कर रही हूँ दोस्तों. जरा ना जरा मैं देखती हूँ क्या डिफरेंस है. आंखें तो बिल्कुल सेम लग रही हैं, बाल भी सेम है. क्या आप दोनों बहनें हैं? हाँ. ओह देखें, मैंने सही कहा, ये दोनों बहनें हैं. वाओ, फिर मुझे भी मिलना चाहिए ना इस खुशी में. अच्छा सोचा है, देखें इनकी आंखें भी मिल रही हैं, इनका स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, देखिए ना इनके बाल भी मिल रहे हैं. तो मुझे तो लग रहा था ये दोनों बहनें हैं पहले. वो तो मैं भी गेस कर लेती, मैं तो अंदर थी इसलिए मैंने गेस नहीं किया. मिनाल तो अपनी बातें करती है. वाओ, मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए इनके लिए गिफ्ट. नहीं जी. चले आगे आगे बैठे. देखिए मिनाल हमारी छोटी सी दोस्त स्पिनर से खेल रही है. अच्छा उसे खेलने दो. अच्छा और कौन सा बच्चा नाच पड़ेगा? आप पढ़ेंगी? चले ठीक है. मिनाल इबा नाच पढ़ने लगी है. मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी ते अपना नसीब आ रहा है. खबर जाके दे दो फरिश्तों ये उनको, ये खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है. बुलंदी ते अपना नसीब आ रहा है. मदीना 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 बढ़ा लो इसे ना, ये नाम है मदीना. मदीना 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 मदीना. जज़ाकअल्लाह हिबा. आज अब हम ब्रेक ले लेते हैं. जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक बल्कि हिबा ही ले लेती है. हाँ देखिए हिबा हमें हॉस्टिंग लेके दिखाती है. ठीक है मिनाल, हिबा आप हमारी तरह ब्रेक लो. ब्रेक लो, ब्रेक. तो दोस्तों अब हम लेते हैं नन्नी मुन्नी सी ब्रेक, छोटी मोटी सी, गोलू मोलू सी. बिल्कुल मेरी और सारा की तरह, थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीठी भी. दोस्तों आपने कहीं नहीं जाना और देखते रहिए बावर्ची बच्चे रमजान सीजन 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله. कितनी अच्छी पढ़ी है ना आपने. नाद नाद तो नहीं थी. ओ सॉरी सॉरी, नाद ही सूरत नहीं. उन्होंने तलावत इतनी अच्छी की तो मेरी मुझे यही लगा कि उन्होंने नाद पढ़ी है. अच्छा तो सारा अब हम काइंडनेस चैट में बात कर लें. तो हिबा आप उधर चली जाएं. हिबा आप हमें कौन सा काइंडनेस का एक्ट बताएंगी? शेयर योर लंच स्नैक्स विद समवन. हाँ आप बताएं इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि हमें खाना बांट कर खाना चाहिए. अच्छा. बिल्कुल दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप कुछ भी खाएं तो आपको एक दूसरे को शेयर करवाना चाहिए. जैसे अगर आप अपने स्कूल में हैं तो आपके पास लंच है और आपके क्लास वाले के पास लंच नहीं है तो आप इसे शेयर करवा सकते हैं ना.
और अगर आप जैसे आप कोई अगर आप शेर करके खाए तो कहते हैं ना कि बरकत होती है, अगर आप एक जगह देखें आप ये देखें कि अगर आप कारी में जा रहे हैं, आपने देखा कोई एक छोटा सा बच्चा है जिसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया, तो आप उससे भी कुछ लेके दें। जी क्योंकि कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना खाना मिल बांट के खाएंगे तो बहुत बरकत होगी, और अपने स्कूल में जो आयाबाजी होती है ना उनको भी जिस तरह से हम पार्टीज वगैरह करते हैं तो एक प्लेट में उनके लिए भी थोड़ा सा खाना निकाल देना चाहिए। अगर आप बर्थडे करते हैं तो केक तो होता है, तो आप अपने गार्ड को भी दें, अपने आयाबाजी को भी दें, मेज को भी दें, वो सब और बुआ को भी दें। बुआ को भी दें। दोस्तों आपको पता है ना कि चंदा तारे में वो अपनी बुआ का कितना ख्याल रखते हैं, और अंजुम बाबा का भी कितना ख्याल रखते हैं सारे बच्चे, वो सब फैमिली के साथ रहते हैं और सब कुछ शेयर करवाते हैं, और आप लोगों ने भी आइंदा शेयर करके खाना है जैसे सब चंदा तारे में करते हैं, और हम भी तो शेयर करके खाते हैं ना। और काइंडनेस का कोई भी हमारा एक छोटा नहीं होता, ये तो हमने आपको पहले एपिसोड में भी बताया था, और कोई छोटा सा छोटा भी वर्ड आपको बहुत बड़ी बात समझा जाता है। चलो सारा मफ्तारी का टेबल ना सेट कर ले, काफी बातें करनी है। दीपा मेरी हेल्प करेंगी आप मफ्तारी लगाने में? दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ अफ्तारी करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें सुनते हुए नंबर पर, और आप भी हमारे शो का हिस्सा बन जाएं और हमारे साथ अफ्तारी करें और गेम्स भी खेलें और बहुत सा फन भी करें। आपने देखा है ना कि हमारी अफ्तारी में हर रोज कितनी वैरायटी होती है। जी और हम आपके लिए बहुत कुछ बनाते हैं। जी बिल्कुल, हमारी मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी है। सारा कितने बच्चे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है 7 बच्चे हैं। ओ हमारी छोटी दोस्त आ गई है। अच्छा ये किधर गई थी? ये जरा घूमने फिरने गई थी, हमारे सर का चक्कर लगाने गई थी। अच्छा फिर चले गई है मीनाल, क्या हो रहा है? चलो उसकी मर्जी, वो कहती है एक दफा एक और चक्कर लगा के आती हूँ। दोस्तों आप सब आके बैठ जाएं। आप सब आ रोजा भी नहीं है ना, इससे वो बोर हो रही है। जरा आते दोस्तों आप यहाँ बैठ जाओ। चलो सारा दुआ करने से पहले मैंने एक अच्छी बात बतानी है दोस्तों। क्या है वो? दोस्तों आपको पता है हमें रहम दिली से पेश आना चाहिए। रहम दिली का मतलब कि हमें मोहब्बत से और नरमी से पेश आना चाहिए। मेरे पास भी एक बात है। नहीं रुको, मैंने एक वाक्य भी छोटा सा बताना है। आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब भी कोई नया फल आता था ना तो वो पहले मजलिस में मौजूद बच्चों को देख के आते थे। जी और सबसे छोटी उम्र के बच्चे को देते थे। जी और सबको अपनी सवारी पर बिठाते थे, खूब सारा प्यार करते थे। जी अब मैं एक अच्छी बात बताऊँ? बताओ। दोस्तों को पता है ना कि जब लोहा नरम होता है तो औजार बनाता है, सोना नरम होता है तो जेवर बनाता है, और जब आटा गर्म होता है तो रोटी बनाती है, बनती है। तो अगर इंसान का दिल नरम हो तो अच्छा इंसान बनता है। बिल्कुल। सारा किससे इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखती हो? मेरी दादी जान मुझे बताती है। अच्छा चलो अब दुआ। प्यारे अल्लाह ताला हमारा रोजा कबूल फरमाना। आमीन। प्यारे अल्लाह ताला हम सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे अल्लाह ताला जिनके अम्मी अबू बीमार हैं उनको जल्दी से ठीक कर दे। आमीन। प्यारे अल्लाह ताला जिनके पास चीजें नहीं है रोजा खोलने के लिए उन्हें बहुत सी चीजें अता फरमा, और उनकी अच्छी सी इफ्तारी करवाए। आमीन। जो बीमार है उन्हें शफा दे। आमीन। प्यारे अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को खूब तरक्की पे पहुंचाना। आमीन। प्यारे अल्लाह ताला बहुत से कपड़े खरीदे ईद के लिए। आमीन। अल्लाह ताला जायका टीवी को भी अरूज पे पहुंचाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारा शो बावर्ची बच्चे रमजान सीजन टू बहुत हिट हो, सुबह मुबारक से भी ज्यादा हिट हो जाए। आमीन। आमीन। दुआ करो।
اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت آمين. आप ही करो, एक प्लेट आगे करो. आपको टू पीस चाहिए? वन मुझे बहुत मजा आ रहा है. हाँ खुशामदी दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं बावर्ची बच्चे रमजान सीजन 2. जी तो दोस्तों, अब हम करने लगे हैं गेम. करने लगे हैं या खेलने लगे हैं? खेलने लगे हैं गेम. आप तो अंदर जाएंगे और मैं गेम्स खिलवाऊंगी. तो फिर मैं खाने वाली गेम में जरूर शामिल होंगी और तुम भी मेरे साथ खेलना. ठीक है, ठीक, चल जाओ. जी तो दोस्तों, आप में से कौन कौन कलर करेगा? बल्कि आप चारों ही आ जाएं. हिबा हम इन चारों को टास्क देंगे और साथ में हम सारा से भी कुछ बातें करेंगे. इधर आ जाएं आप. मीनार जी, छोटी सी बच्ची भी कलर करेगी. लेकिन उसके लिए टेबल बहुत बड़ा है. सारा इसको इधर बिठा के ना करवा ले. इसके नीचे कुशन रख दो. सारा बहुत अच्छा मशवरा दिया है. मैं तो नहीं, ऐसे हर किसी का अच्छा मशवरा देती हूँ. दोस्तों, हमारी नन्ही मुन्नी से दोस्त बहुत छोटी थी, इसलिए हमने क्वेश्चन रख दिए हैं. जी तो दोस्तों, अब मैं आपको पेंटिंग्स एक्सप्लेन करूंगी कि पेंटिंग में बना क्या हुआ है. और मुझे दिखानी भी है मीनार. अच्छा, इस पेंटिंग में तो एक फैमिली नजर आ रही है और फैमिली का दोस्तों आपको पता है ना, फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए. ना दिखाओ तो. और इसमें एक आंटी और एक अंकल है. मुझे ये दादा जान और दादी जान लग रही है. मुझे भी ऐसा ही लग रहा है. और दादा जान और दादी जान का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए और इनसे बिल्कुल जिद नहीं करनी चाहिए. और इस पेंटिंग में नजर आ रहा है कि दो बंदे मस्जिद को तैयार कर रहे हैं, मतलब एक पेंट कर रहा है और दूसरा बना रहा है. कर रहे हैं सॉरी दोस्तों. अगर आप इस तरह से मस्जिद बनाने में मदद करेंगे तो जन्नत में आपके लिए एक घर होगा और वो भी बिल्कुल मस्जिद की तरह बहुत प्यारा होगा. और इस पे लिखा हुआ है इस्लाम. हिबा, इस्लाम का मतलब क्या होता है? इस्लाम का मतलब अमन होता है. बिल्कुल, यानी पीस. सॉरी, मुझे एक सेकंड काउंट डाउन स्टार्ट करने दो, फिर हम कर देते हैं. ठीक है, 3, 2, 1, start करो. मैं म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ. मीनार, मैं ब्लेंडर का म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. करो सामना, करके दिखाओ, साबित कर दो कि तुम हो सबसे अच्छे.
बावर्ची बच्चे करो सामना करके दिखाओ साबित कर दो कि तुम हो सबसे अच्छे बावर्ची बच्चे करो सामना करके दिखाओ साबित कर दो कि तुम हो सबसे अच्छे बावर्ची बच्चे। आओ बस सारा के पास चलते हैं। इधर आ जाओ। सारा क्या बना रही हैं आप? मैं बना रही हूँ खोया खजूर। ये दूध के अंदर बना है। अच्छा तुम्हें मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स और ये बताओ कि ये कैसे बनता है। ठीक है मैं बताती हूँ। ठीक है इसमें हमें ये बहुत हेल्दी होता है हम अगर पिए ना तो हमें इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है हाफ चम्मच। ठीक है किसमें? इसमें खोया खजूर में। जी मैंने इसमें 2 ग्लास दूध डाला है 10 खजूरें डाली है और खजूरें गुटियों के साथ डाली है कि गुटियां निकाल के? गुटियां निकाल के डाली है। अगर गुटियों के साथ डालती ना तो ये ब्लेंड नहीं होता है। तो मैंने 2 चम्मच खोया भी डाला है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और थोड़े से बादाम। ये बादाम मैं गार्निशिंग के लिए भी यूज करूंगी जो तुमने खा लिए हैं। मैंने सिर्फ एक खाया। अब मेरी गार्निशिंग किससे होगी? नाल से बहुत तंग लगती है मुझे। मैंने तो सिर्फ एक खाया ना हिबा। आपने तो एक ही खाया। हिबा तुम्हारी तरफदारी करेगी क्योंकि तुम उसके साथ खड़ी हुई अभी। हिबा है ही बहुत अच्छी। अच्छा जी मैं ना दोस्तों से सवाल करना चाहती हूँ कि बावर्ची बच्चे स्कूल से मरने किस बेस पे भाग मिलते थे? ये तो आप हमें फीडबैक दे के बताएं और जो बच्चा हमें सही आंसर बताएगा उसे मिलेगा जान का जानदार गिफ्ट हैम्पर। बिल्कुल आपको बावर्ची बच्चे स्कूल सीजन 1 में जान का जानदार गिफ्ट हैम्पर भी तो मिला था। आपको वो कैसा लगा? मुझे वो अच्छा लगा था। अच्छा लगा था बस बहुत अच्छा लगा था। चलो हिबा आप देखते हैं वो चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। नजर आता है दोस्तों चीटिंग तो नहीं कर रहे। हिबा छोटी सी दोस्त की थोड़ी हेल्प ना कर दी जाए। हिबा आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे अब तक कुछ पता नहीं लग रहा। यानी सारे बच्चे बहुत अच्छी कर रहे हैं ना? कुछ अच्छी भी कर रहे हैं और कुछ बुरी भी कर रहे हैं। पता है क्या है वो ना इतनी प्रैक्टिस नहीं करके आए होंगे और सारे आज तो छोटे छोटे से दोस्त हैं तो इसलिए शायद उनसे ना सही हो रही हो लेकिन मुझे तब तक सबकी अच्छी लग रही है। सुबह मुबारक यहाँ बावर्ची बच्चे का सॉन्ग आता है? जाता है। किसका? दोनों का ही आता है सुबह मुबारक का। चलो सुबह मुबारक का मैं भी साथ गाऊंगी। ठीक है चिन चिन चिड़िया चहकी किन किन किरले झांकी लगता है कि हुई है सुबह। चिन चिन चिड़िया चहकी किन किन किरले झांकी लगता है कि हुई है सुबह। अम्मी अबू ने दी है सदा सुबह मुबारक हो सुबह मुबारक सुबह मुबारक सुबह मुबारक हो सुबह मुबारक सुबह मुबारक सुबह मुबारक हो सुबह मुबारक। दोस्तों आप लोग सुबह मुबारक देखते हैं ना? सुबह मुबारक है ही तो अच्छा कि सब देखते हैं। नहीं नहीं मैं तो वैसे कहती अगर आप लोग नहीं देखते तो अभी से देखना शुरू कर दें। हिबा काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया अभी हमने भी गेम खेली है ना। अच्छा जी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 stop दादा दादी तैयार हो गए। ये नहीं नहीं दादी की शलवार और कमीज रह गई है। दादा का लाचा भी थोड़ा सा रह गया है। दादा की ऐनक भी थोड़ी सी पेंट होने वाली है। ये देखें। ओहो आपकी तो कुछ ज्यादा ही कुछ रहेगी ना। आपकी तो मॉक ठीक थी ना मॉक जो आपकी ठीक थी ना। हिबा अब आप नहीं कर सकती। और आपके ना जो छोटे छोटे चिल्ड्रन नहीं है जो सलाम लेके खड़े हैं। ओ सारा ये देखो इनकी कंप्लीट है लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छे कलर्स कर लिए। वाओ ये तो आर्टिस्ट से भी पहुंची भी निकली। आपके अब आपको मैं गिफ्ट नहीं दूंगी। कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका नहीं होता ये वो है। दोस्तों देखिए इन्होंने कंप्लीट किया चाहे जैसे मर्जी। यही है चीज। अच्छा तो हिबा आप सारा इन दोनों की दिखा दो आप। देखिए दोस्तों
इनके पे बस थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई है, मतलब हमारा जो इस्लाम है ना वो भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया ना। क्या करें अब, ये वाला ये जो पिक्चर है ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया मीनार, अब क्या करें? कुछ नहीं, अब हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। आपने बहुत अच्छी पेंटिंग की और उनकी तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है ना। अच्छा चलो स्पेल्स क्रिएट कर। मीनार जल्दी से बता दो ना दोस्तों को कि कौन जीता है, फिलोसफी और ये दोस्तों को हमारे। कौन है वो, 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 उसको दोबारा कहो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है ये। आपको गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेना, चलो 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 जल्दी से सारा गिफ्ट ले। क्या आपको मिलता है जान का गिफ्ट हैंपर, और भी वैसे मेरी ज्यादातर गेम ना खाने पीने वाली होती है। अच्छा मुझे समझ आ गई, इसका मतलब अब आप अपनी डिश खाओगी और उसका कंपटीशन करवाओगी। जी बिल्कुल, देखिए मैं देखिए क्या लेके आई हूँ, क्या लेकर आई हूँ। चले आप बैठ जाए। जी तो दोस्तों हम खेलने वाले हैं दूसरी गेम जो है खाने पीने वाली, मगर इससे हम खाएंगे नहीं पिएंगे, खाएंगे भी, खजूरे भी तो हैं अंदर। हाँ, मतलब मिल गई थी। और ये है खोया खजूर का शेक। अब देखना ये है कि मैं जल्दी पीती हूँ या मीनार, मुझे लगता है मीनार जीत जाएगी। नहीं जीतेगी नहीं। सारा मुझे बन गई है। दोस्तों देखना ये है कि कौन जीता है, वैसे जीता मैं रही हूँ। जीतूंगी मैं, मुझे लगता है मेरे में बहुत ज्यादा डर लगा है। आपने गिराया भी था अभी। 3 2 1 0 स्टॉप। देखो मैंने सबसे ज्यादा पिया, ये मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। मुंह भी इतना गंदा किया मैंने तो, साफ सुथरा मुंह रखा है। जी मैं साफ कर लेती हूँ, उस पे कौन सी बात है। दोस्तों आपको हमारी अफ्तारी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। और हमारी शेफ गेस्ट कैसी लगी? वो भी बहुत अच्छी लगी। पता है हमें, और हम कैसे लगे? आप भी बहुत अच्छे लगे। आपको हमारे शो में मजा आया? बहुत मजा आया। दोस्तों अब हम आपसे लेते हैं इजाजत, कल फिर से मुलाकात होगी नए शेफ गेस्ट के साथ, जाने सबके मेंबर्स के साथ, नई डिश के साथ, और बहुत से गेम्स और बहुत सा फन, और सीखेंगे अच्छी अच्छी बातें भी, और आपको बताएंगे बहुत कुछ रमजान के मुतालिक और इस्लाम के मुतालिक भी। तो दोस्तों अब आप दें हमें इजाजत, तो देखते रहिए बावर्ची बच्चे रमजान सीजन 2। मिनाहिल अनीस। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। आपने करो सामना राउंड में जजेस का सामना कैसे किया? सिंगिंग करके। हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। कौन सी डिश अब तक सबसे अच्छी बनाई है? जो मेरे से सीख के जाती है वो हमेशा अच्छी बनाती है। मैंने सबसे अच्छी डिश अब तक चिकन फिलेट्स बनाए जो मैंने अपने स्कूल सीजन 1 में बनाए थे। और आप बताओ आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बन के दिखाओ, मैं आपकी पेशेंट, आ जाओ। अच्छा मैं सबसे पूछती हूँ कि उनकी हॉबी क्या है, तो आप मुझे बताएं आपकी हॉबी क्या है, क्योंकि मुझे हॉबी पूछने का बहुत दिल चाहता है। क्यों बताया, पूछा क्यों? ये जोक नहीं है, ये एक क्वेश्चन है सारा आपसे। चलने बताएं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगर हम मछली को पानी से निकालेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वो मर जाएगी। सारा आपको ये नहीं पता, आपके खाने का इंतजाम हो जाएगा।